लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ दूसरा। दोस्तों इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है, इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। मैं सुनीता दीक्षित हूँ। मेरे दो पड़ोसी रंजना और संतोष आज भी मेरे घर आए हैं और मेरा मेहमान माधवन उन्हें अंग्रेजी में उनके परिवार के विषय में बातें करना सिखाएगा। सुनीता दीदी मैं आ गई। रंजना आ, कैसी है? अरे भाई ये संतोष भी आ गया, तो ये कहाँ से भागते हाँगते हुए चला आ रहा है? मुझे आने की जरूरत है मगर क्या करूं, पहले मुनिया को बाय बाय छोड़ने जाना पड़ा, देखिए हाँगते हुए आ रहा हूँ। माधवन भैया है क्या? हाँ हाँ है। रे वो यहाँ कुछ दिन रहने वाला है, तुम दोनों भी उससे खूब अंग्रेजी सीख लो, ठीक है? अच्छा चलो आज चाय कौन बनाएगा? ये संतोष आज तू चाय बना, मैं अंग्रेजी सीखूंगी, कम माधवन भैया। ओके रंजना, व्हाट शैल वी टॉक अबाउट? लेकिन मुझे भी अंग्रेजी सीखनी है। हाँ बाबा चाय बनाते बनाते भी तो अंग्रेजी सीख सकता है ना। ठीक है माधवन, टुडे यू टीच देम टू टॉक अबाउट देयर फैमिली। ओके कम। हाय संतोष, तू सुनीता दीदी के घर में है क्या? हाँ माँ मैं यही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। संतोष, वॉज दैट योर मदर? यस माई मदर। वॉट इज योर मदर्स नेम? माई मदर नेम पूर्णिमा। नो, से माई मदर्स नेम इज पूर्णिमा श्रीवास्तव। माई मदर नेम इज पूर्णिमा श्रीवास्तव। वॉट इज योर फादर्स नेम? माई फादर्स नेम इज राम कुमार श्रीवास्तव। गुड शाबाश, ये तो मुझे भी आता है। माई मदर्स नेम इज कुंती यादव। माई फादर्स नेम इज रमेश यादव। वेरी गुड रंजना। माधवन भैया व्हाट इज योर मदर्स नेम? माय मदर्स नेम इज राजलक्ष्मी। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज वेंकटराम। माधवन भैया से पूछना उनके कितने भाई बहन हैं? तू पूछना डरपोक। माधवन भैया यू सिस्टर्स ब्रदर्स? ऐसे नहीं संतोष, तुमसे पूछ कि माधवन भैया हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, मतलब आपके कितने भाई बहन हैं? आई हैव टू सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स। बाप रे, पांच लोग, टू मतलब दो ना, दो भाई दो बहन। यस big family, how many sisters and brothers do you have Santosh? I have one sister and one brother. And you Ranjana, how many sisters and brothers do you have? I have one brother and no sisters. Sunita Didi, how many brothers and sisters do you have? I have no brothers, I have no sisters. मतलब आपका कोई भाई बहन नहीं? नहीं, मैं इकलौती हूँ. I have no brothers and no sisters. माधवन भैया, टी. Oh good, टी. अरे अरे. Sorry, I'm so sorry. सारी चाय छलता दी। कोई बात नहीं, अगली बार से संभाल के करेगा। आई विल क्लीन इट। आज के पाठ में हमने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हें दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी,
आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। मदर मतलब माँ, फादर मतलब पिता, सिस्टर मतलब बहन, ब्रदर मतलब भाई। What is your mother's name? My mother's name is Seema Kushwaha. What is your father's name? My father's name is Shankar Kushwaha. How many sisters do you have? I have one sister. How many brothers do you have? I have no brothers. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में आप जहां भी हो, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। पिछले पार्ट में तुमने सीखा कि किसी का नाम कैसे पूछना चाहिए। What is your name? मतलब तुम्हारा नाम क्या है। इसी तरह पूछे तो माँ का नाम पूछना भी सरल हो जाएगा। What is your mother's name? तुम सब एक साथ मेरे बात बोलना। What is your mother's name? अच्छा, तो आप किसी मित्र के पिताजी का नाम पूछ पाओगे ना। पिता का नाम ऐसे पूछना है। What is your father's name? ये सवाल मेरे बाद तुम सब एक साथ पूछना, मगर आवाज जरा धीमी। What is your father's name? गुड। अब इन प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। घंटे बजने पर टीचर जी एक लड़के या लड़की को खड़ा करेंगे और मैं जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब वही बच्चा देगा। एक बच्चा खड़ा है ना, याद रहे मैं तुम्हारी माँ का नाम पूछ रही हूं, तो उत्तर में माय शब्द आएगा। माय मतलब मेरी। माय मदर्स नेम इज सुनंदा। ये सचमुच में जो भी नाम हो वही बोलना। तो जो बच्चा खड़ा है सिर्फ वही जवाब देगा। What is your mother's name? अच्छा, अब मैं पिता का नाम पूछूंगी, कौन जवाब देगा। घंटे बजने पर टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। अब तुम अंग्रेजी में उत्तर देने की कोशिश करना। What is your father's name? आज हमने और क्या सीखा, याद है। पहले ये सवाल सुनो। How many sisters do you have? प्रश्न समझ गए ना। How many मतलब कितने, और sisters मतलब बहने,
तुम्हारी कितनी बहनें हैं? तुम सब एक साथ मेरे बाद प्रश्न दोहरा लो। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? इसी तरह भाई कितने हैं ये कैसे पूछेंगे? भाई को कहते हैं ब्रदर। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? इस प्रश्न को तुम सब मेरे बाद एक साथ बोलो। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? अब तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? तुम्हें अपनी बहन के बारे में बताना है। अच्छा, इस सवाल का जवाब कैसे दोगे कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं? आई हैव टू सिस्टर्स, मतलब मेरे दो बहनें हैं। या आई हैव वन सिस्टर, मतलब मेरी एक बहन है। और यदि बहन ना हो तो कहना है आई हैव नो सिस्टर्स। घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे और वही मेरे सवाल का जवाब देगा। अंग्रेजी में उत्तर दो। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? अब भाई के बारे में ऐसे ही बताना है। घंटी बजते ही टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनना और अंग्रेजी में उत्तर देना। तुम्हारे कितने भाई हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? अभी जिस तरह से कुछ बच्चों ने अभ्यास किया, वैसे ही बाकी बच्चों से भी टीचर जी अभ्यास कराएंगे। कम से कम 15 मिनट तक ये अभ्यास करना है। तो बच्चों, अगला पार्ट जरूर सुनिएगा। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पार्ट का समय होगा जब We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ दूसरा। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है,